बोर्ड की तरफ से इरशाद अली आजाद चेयरमैन है, जो उनके आने के बाद किस तरह से डेवलपमेंट का काम किया गया? ये कुछ भी नहीं था, टूटा फूटा हुआ पूरा छत था। उनको आने के बाद ये निर्माण हुआ, उन्होंने बनाया, बहुत से लोगों को इसमें जगह दी रहने के लिए, काम धाम करने के लिए। ये इससे जो है मेरा रोजी कमाने का एक जरिया हो गया है, इस वजह से बहुत अच्छा काम कर रही है बाप स्टेट। बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चों को हम लोग इन्फेंट डेसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। हम लोग लगातार समाज के निचले पौधान पे जो लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत होगी, चाहे मेडिकल का मामला हो, रोजगार का मामला हो, रिहायशगाह का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हम लोग हर तरह का मदद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं फिरोज और मैं इस वक्त शिया वक्फ बोर्ड की स्पेशल सीरीज में पटना सिटी के सेल्स टैक्स ऑफिस के सामने अल्ताफ नवाब वजीहुन्निसा वक्फ एस्टेट के मार्केट कॉम्प्लेक्स में खड़ा हूं। और आज हम यहां पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर जो ज़मीनें थी, प्रॉपर्टी थी, उसे किस तरह से डेवलप किया गया और ज़रूरतमंदों को उसे दुकान के रूप में दिया गया। तो मेरे बाएं साइड आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल एक साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ, उसके बाद से यहाँ सारी मार्केटें बनाई गई और अलग अलग दुकानें और अलग अलग लोगों को, जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उन्हें ये सारी दुकानें दी गई और लोगों को यहाँ पर बिल्कुल रियायती दरों में दुकानें दी गई हैं, जिससे लोगों का को मदद मिले, उनका घर परिवार चल सके। तो आज हम लेंगे इसी मार्केट कॉम्प्लेक्स का जायजा और बताएंगे क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ चेयरमैन इरशाद अली आजाद के नेतृत्व में और बोर्ड ने क्या कुछ किया। यहाँ के जो केयर टेकर हैं लक्की साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस पूरे प्रॉपर्टी का कैसे डेवलपमेंट किया गया सिया वक्फ बोर्ड की तरफ से और क्या कुछ यहां पर इंतजाम किए गए। जी लक्की साहब, यहां पर जो बोर्ड की तरफ से इरशाद अली आज़ाद चेयरमैन है, जो उनके आने के बाद किस तरह से डेवलपमेंट का काम किया गया? इरशाद अली आज़ाद साहब के आने के बाद ये कुछ भी नहीं था, टूटा फूटा हुआ पूरा छत था। उनको आने के बाद ये निर्माण हुआ, उन्होंने बनाया, बहुत से लोगों को इसमें जगह दी रहने के लिए, काम धाम करने के लिए, सब दुकान बहुत कम किराए पे, मुनासिब किराए पे उन्होंने दिया और मुस्लिम हिंदू दोनों समुदाय के लोगों को दिया, एक तरफा नहीं दिया उन्होंने। कितने दिनों में यहाँ काम पूरा हुआ? एक साल हो गया। एक साल में पूरे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को बना दिया गया, यानी काफ़ी तेज़ी से तरक्की का काम किया गया ताकि लोगों को रोज़गार के अवसर मिले और बोर्ड लगातार समाज की तरक्की के लिए काम कर रहा है। अल्ताफ नवाब एस्टेट के मार्केट के एक दुकानदार इमामुद्दीन हमारे साथ हैं, जिनकी टेलरिंग की दुकान है, वो टेलर की दुकान चलाते हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये दुकान आपको कब मिली और किस तरह मिली? ये दुकान एक साल पहले ली है और वक्फ एस्टेट के ज़रिए बातचीत हो रही है, अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग को यहाँ बहुत बड़ा काम मिला है और हम लोग के लिए कुछ कमाने वाने का एक साधन है, इस वजह से लिए हैं हम लोग भी थोड़ा ये सब। जी तो इससे आपका घर परिवार रोजगार रोजी का अवसर मिला? जी इससे जो है मेरा रोजी कमाने का एक जरिया हो गया है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा काम कर रही है वक्फ एस्टेट हम लोगों के लिए। तो हमने आपको अल्ताफ नवाब वजीहुन्निसा वक्फ एस्टेट की तस्वीर दिखाई, किस तरह से उसे आधुनिक बिल्डिंग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरा कमर्शलाइज कर दिया गया है उस बिल्डिंग को। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आजाद। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो पूरे इस्टेट की ज़मीन को कमर्शलाइज कर दिया गया है, उसके पीछे बोर्ड की क्या सोच है? देखिए, एक्चुअली बोर्ड की अपनी कोई सोच नहीं होती है, कानून में अगर उसमें दायरे हैं तभी उसकी सोच उस तरीके की होती है। लगातार है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन का कमर्शियल इस्तेमाल होना चाहिए, उसी कानून के तहत ज़मीन का कमर्शियल इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और लीगल कार्रवाई के तहत जो फ्रंट वाली बिल्डिंग की जो आप बात कर रहे हैं उसका प्लॉट नंबर 1706, इसमें डीएम को अधिकार है। हम लोगों ने रिक्विजिशन के लिए
52 डे डीएम को भेजा और डीएम ने ऑर्डर पास किया उस पर कि ये 100% अल्ताफ नवाब वैजुनिसा बेगम वफ स्टेट की जमीन है, बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर कराया गया। उसी कानून के तहत हम लोगों ने लोगों की मदद से उसमें कमर्शियल बिल्डिंग बना दिया और कानून के तहत अभी मैंने उसकी बिडिंग कराया था और पेपर में एड लगा करके उसको बिडिंग दिया है। कानून के दायरे में हमको आपको सबको रहना है और कानून के दायरे में आवाम भी वफ की प्रॉपर्टी को देखे, मुतवलियान भी देखे, बोर्ड भी देखे, चेयरमैन भी देखे, प्रशासन भी देखे और सरकार भी देखे, तभी इस कौम में मिल्लत का काम होगा और इसमें बड़े बड़े काम, कॉलेज, स्कूल, रोजगार मिलेंगे। एक प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को आना चाहिए कि वफ के जमीन का, जैसे सरकार ने वफ विकास योजना बनाया है उसके तहत हम लोग बड़ा बड़ा काम करें। छोटे मोटे जो ग्रीवांसेज हैं काम होंगे, बात होंगे, आपके जो ग्रीवांसेज हैं आप कानूनी तरीके से कहेंगे, चाहे दुकान का मामला हो, रिहाइशगाह का मामला हो, चाहे जिस तरह का मामला हो, हम लोग पूरी मदद उसमें करेंगे। लेकिन हम लोगों की मजबूरियाँ यह है, बोर्ड की ये मजबूरियाँ है कि कानून से बाहर जा करके कोई काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से हाईकोर्ट से 58 केसेज जो हम लोगों के अगेंस्ट में गए हैं, ये सारे लोग केसेज हारे हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि हम लोग मिलजुल करके वफ की प्रॉपर्टी को कानूनी तौर तरीके से हासिल करें और उसका बेहतर इस्तेमाल करें और एक अच्छा समाज बनाएं, और समाज बनने के बाद से उसमें एजुकेशन, रोजगार एक बड़े पैमाने पर उसमें गुंजाइश है वफ की प्रॉपर्टी में। इसी नियत के तहत आप लोगों से भी अपील है कि पॉजिटिव चीज़ों को देखें और काम करें। एक बात सभी के जहन में आता है कि जिस तरह से जो स्टेट की प्रॉपर्टी है काफ़ी पॉश इलाके में है, आमदनी भी अच्छी है, तो जो शिया वक्फ बोर्ड है इन प्रॉपर्टीज से जो आमदनी होती है उसका किस तरह से इस्तेमाल करता है? इसी एक चीज सबसे बड़ा मामला है, किसी वक्फ स्टेट का जो इनकम होता है उसका हम लोग 7% टैक्स लेते हैं, 6% बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड, 1% भारत सरकार को जाता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, 93% पैसा उसी वफ स्टेट में खर्च होता है। बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, सैकड़ों बच्चों को हम लोग इन्फेंट जेसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, उनके खर्चे दे रहे हैं, चाहे मदरसा सुलमानिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारा वफ स्टेट मदद करता है। सैकड़ों ऐसी बच्चियाँ हैं जो इस शर्त के साथ देते हैं कि भाई आप सरकार से योजना का लाभ नहीं लेंगे तो हम आपको 25,000 रुपया, उनके गरीब बच्चियों की शादी जो चिन्हित करके उसकी जाँच करा करके उनको 25,000 रुपया दे रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे फलाही काम हैं, चाहे कंबल वितरण करने का मामला हो या प्रोग्राम का मामला हो, अभी बहुत सारे हम लोगों ने डिसीजन किसी तरह के मामले हो, हैंडीकैप बच्चे हो, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इन सारे पैसों को बोर्ड इंटरनल अपना उसमें मीटिंग करके एक फैसला करती है कि समाज के किस तरह के लोगों की मदद की जाएगी। अभी लॉकडाउन का मामला था, हम लोगों ने बिहार में चिन्हित करके कि जितने गरीब लोग थे मैक्सिमम लोगों को हम लोगों ने इस पैसे से मदद किया है, और ये उम्मीद आप कीजिए, रमज़ान का मामला था तो रमज़ान किट हम लोगों ने दिया। ये आप मान के चलिए कि इसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है उस तरह से ये हम लोग लगातार समाज के निचले पौदान पे जो लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत होगी, चाहे मेडिकल का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, रिहाइशगाह का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हम लोग हर तरह का मदद करेंगे। हम लोगों की पूरी भारत सरकार का रीज रूल है, स्टेट गवर्नमेंट की पूरी मदद है, हम लोग इन कामों को कर रहे हैं। तो जाहिर है जिस तरह से इरशाद अली आजाद साहब ने बताया कि किस तरह से बोर्ड आमदनी, जो बोर्ड की आमदनी होती है उसे कैसे फलाह के कामों में इस्तेमाल करता है, चाहे लड़कियों के एजुकेशन हो या फिर ज़रूरतमंदों को रोज़गार देना हो, किसी भी तरह से जो बोर्ड है हर तरह से फलाह के काम में अपनी आमदनी को लगाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर हम वक्त की एक और प्रॉपर्टीज़ की तस्वीर से रूबरू कराएँगे और वहाँ का हाल आपको दिखाएँगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।